हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक कलीदार लहंगे की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी और आज मैं उस लहंगे की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कली वाला लहंगा है जो मैंने कट किया था। ये आप देख सकते हैं, ये आधा आधा मैंने पूरा कट किया है, पूरा नीचे तक मैंने कट नहीं किया है। और ये मेरे लहंगे की बेल्ट है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए फ्रेंड्स, ये जो है हम इसको दोनों तरफ से हर कली को ऐसे डबल पकड़ेंगे और फिर ऐसे इधर से पीछे की साइड से इसको हम ऐसे स्टिचिंग करेंगे। इसको हम ऊपर से स्टिचिंग करते हुए लाएंगे और पूरा नीचे तक, यहाँ तक जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर पर हमको नहीं सिलना है, यहाँ तक हम अपनी सिलाई बंद कर देंगे और हम इसको इसी टाइप से सिलेंगे कि सारी कलियाँ हमारा इतने में एडजस्ट हो जाएं। तो मैं स्टिचिंग करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सिलाई करने के लिए इसको मैंने ऐसे पलट कर रख लिया है और इन सारी कलियों को मैंने ये पिन से सिक्योर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पिन अप कर दिया है जिससे आपको अच्छे से पता चल सके। और ये देखिए, ऊपर से मैंने चौड़ा चौड़ा इसको पकड़कर पिनअप किया है और नीचे तक हम इसको, यहाँ तक तो हमारा कपड़ा ऑलरेडी कट था, तो यहाँ तक हम लाएंगे और इसको हम सिलाई बंद नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम नीचे तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर हमको सिलाई नहीं करनी है, वरना हमारा लहंगा भद्दा लगेगा। बस यहीं तक लाकर हमको सिलाई एकदम पतली करती जाना है और यहाँ पर सिलाई को बंद कर देना है और इसी टाइप से हमको सारी कलियाँ सिल लेनी है। यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने दो कलियाँ अटैच कर दी हैं। ये देखिए, ऊपर से मैंने कितना चौड़ा पकड़ा है ये कपड़ा, ये इस टाइप से आपको दिख रहा होगा ये, और नीचे तक लाकर मैंने यहाँ पर सिलाई बंद कर दी है और ये बहुत पतला मैंने यहाँ तक सिला है। और ये देखिए, इधर से मैंने बॉर्डर पर कोई सिलाई नहीं चलाई है जिससे ये बॉर्डर हमारा एकदम फ्रेश लगेगा, इस पर सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती हैं। और फ्रेंड्स, पिनअप करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि हमको पहले ही ये नाप मिल जाती है कि ये लहंगा हमारी बेल्ट के बराबर, कमर इसकी आ गई है। अगर छोटी बड़ी होगी तो ये पिन्स को निकाल कर फिर हम इसको सेट कर लेंगे अच्छे से और इस टाइप से पिन लगाकर हम सारी कलियों को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सारी कलियाँ मैंने अटैच कर दी हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है, ये पूरा घेर भी आ गया है। और ये देखिए, ये डबल है पूरा, और ये पूरा डबल फैब्रिक है और इतना घेर इस लहंगे में आ गया है। और ये बेल्ट है, ये जो मैंने कट की थी, ये आप देख सकते हैं, ये इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो उससे पहले क्या करना है मुझे कि लाइनिंग का कपड़ा मैं इसके लिए कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये 2 मीटर कपड़ा है, ये उसी साड़ी में के पेटीकोट का कपड़ा है, तो इसी से मैं लाइनिंग बना लूँगी। तो इसको फ्रेंड्स ऐसे हमको फोल्ड करना है, ये इतना लंबा है, इसको मैं ऐसे एक बार इस टाइप से मैंने इसको मोड़ा और फिर आप देख सकते हैं कि इसको बराबर से इस टाइप से मैं इसको बिछा दूँगी। और ये आप देख सकते हैं, ये 4 तरह कपड़ा हो गया, 1, 2, 3 और 4। और अब हमको क्या करना है कि यहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। ये 2 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है और फिर यहाँ से हमको अपनी कमर का निशान लगाना होता है। तो ये जो हमारा लहंगा है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको भी हम क्या करेंगे कि इसको भी हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ये एक बार हो गया और फिर एक बार और, ये भी 4 तरह कपड़ा हो गया। और इसी से हम ऐसे नाप लगाएंगे, एक कोना हम यहाँ रखेंगे और दूसरा हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और फिर इसको एक तिरछी लाइन से हम किसी स्केल वगैरह की मदद लेकर इस टाइप से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हम मिला देंगे और फिर इस निशान को इस कॉर्नर से हम किसी चीज़ की मदद से, इंची टेप वगैरह की, इसको भी हम ऐसे इसको इस कॉर्नर से हम ऐसे मिला देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से यहाँ
और ये ऐसे कट करके अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, निशान लगाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा कपड़ा इधर ज्वाइंट है, आप देख सकते हैं, और इधर ओपन है, तो हमको निशान ये ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से ही लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है, और अब आप देख सकते हैं कि ये लाइनिंग का कपड़ा मेरा कट कर अलग हो गया है, और ये दो तह कपड़ा है, ये देखिए 1 और 2। और अब हमको क्या करना है कि एक तरफ से इस कपड़े को हमें ज्वाइंट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है, और अब हमको क्या करना है कि इस लहंगे को हम इसके ऊपर रखेंगे इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं, और ये इसकी कमर जो है इसमें पकड़कर हम इसको इसमें पकड़कर ऊपर से सिलाई चला देंगे, जिससे ये लाइनिंग और ये लहंगा आपस में अटैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बेल्ट का कपड़ा है, और इसी साइज़ का लाइनिंग का कपड़ा कट करके हम इस बेल्ट के उल्टी तरफ इसको लाइनिंग के कपड़े को रखेंगे, और ये ऐसे सिलाई लगाकर फ्रेंड्स हम इसमें लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई पूरी यहाँ से यहाँ तक चला दी है, और ये लाइनिंग वाला कपड़ा और ये ऊपर वाला फैब्रिक, ये दोनों आपस में अटैच हो गया है, और उसी टाइप से ये बेल्ट पर भी, ये आप देख सकते हैं, ये लाइनिंग वाला कपड़ा और ये ऊपर वाला फैब्रिक, ये पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई चला दी है, जिससे ये भी दोनों आपस में अटैच हो गया है। और अब हमको फ्रेंड्स क्या करना है कि इधर किनारे से हम यहाँ से नाप लेंगे, और ये 7 इंच पर यहाँ से हम नापेंगे, और 7 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे, और ये लाइनिंग वाला कपड़ा और ये ऊपर वाला फैब्रिक, ये दोनों पकड़कर इसको देखिए एक बार ऐसे और एक बार और ऐसे मोड़कर हम यहाँ पर मशीन चला देंगे। और उसी टाइप से फ्रेंड हमको इस किनारे पर भी करना है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसी टाइप से मोड़कर हमको सिलाई चलानी है। और ये हमारी बेल्ट है, इस पर भी फ्रेंड्स एक बार ऐसे, इसको ऐसे और फिर एक बार ऐसे ऐसे मोड़कर हमको यहाँ पर और इधर भी सिलाई चला देनी है, देखिए इधर मैंने चला दी है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमको क्या करना है कि ये हमारे लहंगे का ऊपर वाला सीधा वाला साइड है, और ये बेल्ट का पीछे वाला साइड है, इसको ऐसे पकड़कर हमको इसमें इस टाइप से अटैच करना है, और बिल्कुल किनारे तक इसको अटैच कर देना है। और अगर ये लंबा हो जाता है तो हम इसको कट कर देंगे, और फिर इसको अंदर से मोड़ के सिल देंगे, और इसके बराबर हमको ये पूरी बेल्ट अटैच कर देनी है। और फिर अटैच करने के बाद फ्रेंड्स, ये इसमें जब ऐसे अटैच हो जाएगा तो फिर इसको हम ऊपर से ऐसे मोड़ेंगे, और ये डिज़ाइन वाला पार्ट हमारा ऊपर आ जाएगा, और इस पर हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे, जिससे ये हमारी बेल्ट बन जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके नीचे जो लाइनिंग वाला कपड़ा है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये वाला कपड़ा है, इसको भी हमको क्या करना है कि इसको भी हम एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे इसको मोड़कर इस पर भी हम पूरा पूरे लाइनिंग के कपड़े पर सिलाई चला देंगे, जिससे ये अंदर से सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस बेल्ट को आप देख सकते हैं, ये लहंगे में मैंने इस टाइप से ये पूरी बेल्ट अटैच कर दी है, और अब हमको क्या करना है कि इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, इस सिलाई को हम ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, और इसको ऐसे मोड़कर इस टाइप से, और इस पर हम मशीन चलाते जाएंगे, और अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको हम पहले पिनअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने अंदर से ये थोड़ा सा इस टाइप से इसको मोड़ लिया है, और मोड़ने के बाद ये सब देखिए मैंने पिनअप कर दिया है, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, और फिर इसके बाद इसके किनारों पर फ्रेंड्स इस टाइप से मैं मशीन चलाती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये बेल्ट आप देख सकते हैं, ये लग गई है, और इसके ऊपर भी मैंने एक सिलाई चला दी है, जिससे ये बहुत अच्छे से बैठ जाए। और अब हमको क्या करना है कि यहाँ तक हमने कपड़ा मोड़कर सिल दिया था ये दोनों पार्ट में, तो यहाँ से हमको सिलाई करनी है, और ये लाइनिंग का कपड़ा हमको अलग अटैच करना है इस टाइप से, और ये ऊपर वाला फैब्रिक हमको अलग अटैच करना है। और इसको अटैच करने के लिए हम पहले इसको उल्टा कर लेंगे इस टाइप से, और फिर उसके बाद हम यहाँ से अटैच करेंगे,
और इस कपड़े को हम पहले पकड़कर ऊपर से लाइनिंग वाले कपड़े को अटैच कर लेंगे और फिर अंदर वाला मेन फैब्रिक इसको भी हम दोनों पकड़कर नीचे तक पूरा अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों किनारों को ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी सिलाई कर रखी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे मशीन पर इस तरह से रखेंगे और फिर इसको ऐसे हम सिलेंगे। और इसको फ्रेंड्स क्या करना है, अगर हम चाहें तो पहले ये कपड़ा भी पकड़कर अटैच कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ये अंदर वाला ये मेन फैब्रिक भी अगर हम चाहें तो इसको भी पहले अटैच कर सकते हैं। मतलब हमको दोनों अलग अलग अटैच करना है। तो हम चाहें तो इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं ये मेन फैब्रिक, इसको हम इस टाइप से पकड़कर पहले अटैच करते जाएंगे और ये लाइनिंग वाला कपड़ा हम अंदर की तरफ ऐसे हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये लहंगा बनकर तैयार हो गया है और ये किनारे से भी मैंने सिलाई कर दी है। ये दोनों पार्ट मैंने अलग अलग सिले हैं और इसके किनारे पर हम चाहें तो यहाँ पर हुक भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कली वाला लहंगा है और फ्रेंड्स ये लहंगा हम किसी भी साड़ी से बना सकते हैं, चाहे किसी भी पैटर्न की साड़ी हो, प्लेन हो, डिज़ाइन वाली हो, कैसी भी साड़ी हो फ्रेंड्स। और इस लहंगे में हमको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और पहनने के बाद ये लहंगा बहुत ही प्यारा लगता है। और इस लहंगे को फ्रेंड्स हम किसी भी डिज़ाइनर कुर्ती पर या डिज़ाइनर ब्लाउज़ पर या टॉप पर भी वेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये कली वाले लहंगा बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।